बुंदेलखंड के पन्ना जिले की पहचान ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी के तौर पर की जाती है। पन्ना के जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा की प्राचीन मूर्तियां 2 शताब्दी पूर्व पुरी से लाई गई थी। श्री जगन्नाथ भगवान के विग्रह दर्शन जगन्नाथपुरी की याद दिलाते हैं। जिले में विगत 166 वर्षों से भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। राजाशाही जमाने में निकाली जाने वाली रथ यात्रा में हजारों की भीड़ के साथ हाथी, घोड़े और ऊंट की सवारी निकलती थी। पूर्वकाल में यात्रा की शुरुआत तोपों की सलामी के साथ होती थी। आजादी के बाद जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा रथ यात्रा के प्रारंभ में गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा शुरू की गई, जो आज भी जारी है। रथ यात्रा की पूरी व्यवस्था भी जिला प्रशासन करता है। पन्ना में रथ यात्रा की भव्यता को देखते हुए प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कुसुम महदेले, पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह सहित पूरे जिले के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। इसी तरह पवई नगर में भी रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें पवई विधायक पंडित मुकेश नायक, रामचरितमानस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित ब्रजेश जी महाराज सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पन्ना जिले के ग्राम पंचायत रैपुरा मोहंद्रा में भी जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकली। कुल मिलाकर पूरा पन्ना जिला जगन्नाथ में हो गया। पन्ना से राकेश पाठक की स्पेशल रिपोर्ट।